हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द किरण एकेडमी। सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल के ऊपर। आज हम बेसिकली इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, कि सेलेनियम के अंदर क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। तो क्योंकि जब आप इंटरव्यू फेस करते हो तो आप कंटेंट तो पूरा कर लेते हो, प्रैक्टिस तो पूरा करते हो, बट इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपको क्या आंसर देना है वो थोड़ा आप मिस कर जाते हो। तो आज हम उसी के ऊपर, टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले इस वीडियो के अंदर। अब यहाँ पर आपको पूरे इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी मैं दे दूंगा और उसके आंसर भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना है और मेरे साथ बने रहना है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। हमने लास्ट सीरीज में, यानी लास्ट वीडियो में हमने क्या कहा था, थोड़ा एक 5-2 मिनट में आपको जस्ट और भी कर लेते हैं। तो हमने इसके पहले एक सिंपल सा कोजा का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। इस प्रोजेक्ट के अंदर सिंपली हमने सेलेनियम को इंटीग्रेट भी किया था और इसके साथ हमने एक सिंपल 3 लाइन का कोड लिखा था जो हमारा वेब एप्लीकेशन हमें ब्राउजर के अंदर ओपन करना। अगर आपने वो डिटेल में आपको पढ़ना है तो आप वो वीडियो जाके देख लो, आपको यहाँ पर आई टैब के ऊपर वो लिंक मिल जाएगी। तो आज पहली लाइन जो हमने लिखा यहाँ पर, सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी। बेसिकली सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी जो यूज करते हैं हम, क्यों यूज करते हैं, थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी जो, यानी एक इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछते हैं आपको कि व्हाई वी यूज अ सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी एंड इज इट रिक्वायर्ड, ये नेसेसरी है क्या हमें यूज करने के लिए, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछते हैं। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन दे विल आस्क एवरी टाइम इन द इंटरव्यू। तो सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी करता क्या है बेसिकली, तो आपका जो वेब एप्लीकेशन है गाइस, वो वेब एप्लीकेशन हम क्या करते हैं, हमारे ब्राउजर के अंदर ऑटोमेट करते हैं, ओपन करते हैं। अब उसके लिए हम कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं वो हम पहले से ही सेलेनियम को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमें अगर मेरा वेब एप्लीकेशन जो है वो मुझे ऑटोमेट करना है, वो मुझे क्रोम ड्राइवर के अंदर ओपन करना है, तो उसके लिए मुझे क्रोम का एनवायरमेंट सेटअप करना पड़ेगा। अगर वही चीज मैं फायरफॉक्स ड्राइवर के अंदर ओपन करना चाहता हूं तो मोज़िला फायरफॉक्स मुझे ड्राइवर उसको बताना पड़ेगा इसके अंदर आप ओपन करो। तो किस ब्राउजर के अंदर आपको ये ओपन करना है, ये हमें उसका एनवायरमेंट पहले से ही सेट करना पड़ता है, इसलिए हमें ये यूज करना पड़ता है। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे ये भी बोलते हैं कि सर अगर हम ये सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी यूज नहीं भी करते तभी हमारा एप्लीकेशन पर्टिकुलर उस क्रोम ब्राउजर के अंदर ओपन होता है। तो गाइज यू आर द करेक्ट, यानी अगर मैं वो नहीं भी यूज करता तभी वो ओपन होता, बट उसमें एक प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो प्रॉब्लम यह है जब कोई आपका क्रोम ड्राइवर अपडेट होता है, क्योंकि हमारा जो क्रोम ब्राउजर है एवरी टाइम इट इज अपडेटेड, जो भी क्रोम के डेवलपर टीम्स है वो क्या करते हैं, हमारा ड्राइवर अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आपका कोई ड्राइवर अपडेट हुआ है और उस केस में आपने ये लाइन ऑफ कोड लिखा नहीं है तो वो आपको आपका वेब एप्लीकेशन ओपन नहीं करवाता, इट गिव्स अ एक्सेप्शन, आपको वो एक्सेप्शन दे देगा और वो कहेगा आपको कि आपके वेब एप्लीकेशन में पर्टिकुलर उस ड्राइवर के अंदर ओपन नहीं कर सकता, आई एम नॉट बी ओपनिंग एंड सेशन टाइम आउट करके एक्सेप्शन आपको थ्रो कर देगा। तो वो चीजें ना हो इसलिए हम ये सिस्टम डॉट सेट प्रॉपर्टी पर्टिकुलर उस एनवायरमेंट सेट करने के लिए मेंशन करते हैं। तो इंटरव्यू में आपको यही बोलना है, फॉर टू सेटिंग अवर एनवायरमेंट टू ओपन अवर वेब एप्लीकेशन टू ऑटोमेट टू सेट अ एनवायरमेंट फॉर दैट वी यूज दैट सेट प्रॉपर्टी। दैट सेट प्रॉपर्टी टेक्स अ 2 आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज अ बेसिकली अवर वेब ड्राइवर डॉट क्रोम डॉट ड्राइवर, दैट इज अवर ड्राइवर नेम, ये हम ड्राइवर नेम बेसिकली दे रहे हैं जो देना मैंडेटरी है। और सेकेंड जो आर्ग्यूमेंट है उसका कि ये उसकी फाइल हमें देनी पड़ती है, दैट इज अ क्रोम ड्राइवर exe, क्रोम ड्राइवर exe भी आपको देना पड़ेगा तभी आपका वो वेब एप्लीकेशन ओपन होगा। तो इस वजह से आपको क्या करना है, उसके इसमें उसको आंसर को टैकल करना है। सेकेंड आपको और एक दूसरा इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि What is the meaning of that web driver, driver equal to new Chrome driver? ये common question होता है guys interview के अंदर, ये what exactly that line does? ये line करता क्या है? तो अगर आप freshers हो या experience हो तो ये दोनों के लिए ये question पूछते हैं, यानी ये दोनों के लिए बहुत ही important task होता है, questions होता है जो interviewer हमेशा आपको पूछते हैं। तो web driver, driver equal to new Chrome driver का meaning क्या है, पहले हम क्या करते हैं थोड़ा टेक्निकली उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इट इज। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो वेब ड्राइवर ये क्या है, हमारा एक इंटरफेस है, इट इज अ इंटरफेस, और ड्राइवर इज अ रेफरेंस वेयर वी कैन क्रिएट अ रेफरेंस ऑफ अ वेब ड्राइवर इंटरफेस। इन दैट उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली न्यू क्रोम ड्राइवर,
न्यू क्रोम ड्राइवर ये क्लास है। अगर हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तो झट से आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये क्लास है और क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो इस क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, हम इस ड्राइवर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्टेटमेंट इज द वेब ड्राइवर इज अ इंटरफेस क्रिएट्स अ रेफरेंस एज अ ड्राइवर हुज स्टोरिंग अ ऑब्जेक्ट ऑफ द क्रोम ड्राइवर क्लास। ओके, ये आपको इस वजह से आपको आंसर देना है उस क्वेश्चन का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। अगेन आगे जाके जब आप इसको आंसर देते हो तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन तुरंत आपको वो पूछ लेता है, सो व्हाई वी नॉट राइटिंग लाइक दैट, यानी क्या क्वेश्चन आपको पूछेगा दूसरा क्वेश्चन, वो आपको तुरंत पूछेगा कि आप ऐसे लिख रहे हो, अब अगर आप क्रोम ड्राइवर जो क्लास है उसका ही ऑब्जेक्ट आप स्टोर कर रहे हो तो इंस्टेड ऑफ दिस आप ऐसा क्यों नहीं लिखते। वो आपको ऐसा पूछ सकता है कि अगर हम ऐसा लिखे तो क्रोम ड्राइवर ड्राइवर इज इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, व्हाई वी नॉट राइट लाइक दिस, यानी हम ऐसा क्यों नहीं लिख सकते। तो ये दूसरा एक इंटरव्यू क्वेश्चन आपको पूछता है, यानी वो उसको क्या कहता है, आपको ट्विस्ट करके पूछता है कि ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, व्हाट द प्रॉब्लम बिहाइंड दैट, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, न्यू क्रोम ड्राइवर हम उसका ऑब्जेक्ट ही ड्राइवर के अंदर स्टोरी कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ दैट क्रोम ड्राइवर का ही हम टाइप यहाँ पर मेंशन करें और उसका ही हम अगर रेफरेंस बना के उसके अंदर स्टोर करें तो क्यों प्रॉब्लम है। तो इसका आंसर कैसे देना है गाइस, देखो तो व्हाट इज एग्जैक्टली दिस, ये लाइन करता क्या है देखो, अब अगर मैं क्रोम ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर अगर ऐसे लिखता हूं तो मेरा जो टेस्टिंग है, जो मैं ऑटोमेशन टेस्टिंग करता हूं, वो एक पर्टिकुलर ब्राउजर के लिए क्या होगा, रेस्ट्रिक्ट होगा। I don't want to restrict my automation only particular a browser. यानी अगर मैं ऐसा Chrome driver driver equal to new Chrome driver ऐसा अगर लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? Only Chrome driver browser के लिए ही ये automate होगा। अगर मुझे आगे जाके Firefox driver के अंदर अगर testing करनी है या open करना है तो ये possible नहीं है, क्योंकि आपने यहाँ पर जो instance create किया है, जो object create किया है, वो किसका object create किया है? क्रोम ड्राइवर का क्रिएट किया है, तो ये ओनली उस पर्टिकुलर क्रोम ड्राइवर के अंदर ही काम करेगा, बाकी किसी भी ब्राउजर के अंदर ये काम नहीं करेगा। तो ये लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन को मुझे ओवरकम करना है। फॉर दैट हमने यहां पर क्या किया, जो इंटरफेस जो सेलेनियम ने हमें दिया है, वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, वो हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वजह से देना है क्योंकि ये हमेशा पूछते हैं आपको कि अगर ऐसा लिखे तो क्या प्रॉब्लम है। सो मे बी आपको ये क्लियर हो गया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको पूछते हैं तो कैसा आंसर देना है। ठीक है, अभी तक की अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो एक लाइक तो आप दे सकते हो, और आप कुछ क्वेश्चंस आपको इंटरव्यू में पूछे हैं और उसका आपका आंसर नहीं आया वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी मुझे भेज दो, मैं उसके ऊपर भी आपको अलग सा एक वीडियो बना के आंसर दे दूंगा। नेक्स्ट, इतना होने के बाद आपको एक और एक क्वेश्चन पूछते हैं, सो व्हाई वी राइट, यानी वो ये आपने आंसर देने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या पूछते हैं इंटरव्यूअर, व्हाई वी राइट अ वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, तो ऐसा ही क्यों लिखना है, व्हाई वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर। तो इसके लिए हमें थोड़ा इसका डेप में हायरार्की पढ़ना पड़ेगा, तो थोड़ा हम हायरार्की देखते हैं इसका कि इसकी इंटरनल सेलेनियम की हायरार्की है क्या, कैसे वर्क करता है। तो आ जाते हैं यहां पर, मैंने आपके लिए एक सिंपल सा ब्लॉग भी लिखा है जो जस्ट अ मिनट, ओके, तो ये मैंने एक सिंपल सा आपके लिए एक ब्लॉग भी लिखा है द किरण एकेडमी, यहां पर मैंने पूरे इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो पूछ सकते हैं, जो हमने अभी 3 लाइन का स्टेटमेंट देखा उसके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है वो इस ब्लॉग के अंदर मैंने मेंशन किया है। ये ब्लॉग की लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप उसे गो थ्रू कर दो, ये बहुत ही सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने लिखा है और आप यही रेफर करो, क्योंकि आप अगर आप चैट जीपीटी के ऊपर डाल के वो आंसर दोगे तो वो स्क्रिप्टेड आंसर होता है, और इंटरव्यू अभी बहुत होशियार है, उनको भी पता है कि ये चैट जीपीटी से रट के आया हुआ आंसर है, तो वो चीजें मत करो गाइज। तो ये थोड़ा रेफर करो, सिंपल मैंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है तो इसको थोड़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो ये हमें पढ़ने के लिए ये जो डायग्राम है, ये हायरार्की के डायग्राम हमें थोड़ी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, तो इस डायग्राम को थोड़ा ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं।
तो सेलेनियम के अंदर जो इंटरनल, अभी जो हमने सेलेनियम यूज किया गाइस, कौन सा सेलेनियम यूज किया है जरा मुझे बताइए आप कमेंट सेक्शन के अंदर, हमने कौन सा सेलेनियम इंटीग्रेट किया है। जो हमने सेलेनियम यूज किया है वो सेलेनियम है हमारा 4.15। इसके पहले जो प्रीवियस सेलेनियम का वर्जन था वो कौन सा था गाइस, 3.159 हमने यूज कर रहे थे। जो पहले कोई भी काम कर रहा है, जो एग्जिस्टिंग वर्किंग है उनको पता रहेगा। जो अभी सेलेनियम का अपडेट्स आया है 4.15 में, तो इस हायरार्किकल डायग्राम में थोड़ा उन्होंने चेंज किया। ये जो अभी आपको डायग्राम दिख रहे, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है वो सेलेनियम का 3.159 वर्जन के लिए रिगार्डिंग मैंने ये बनाया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या चेंजेस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो जो सेलेनियम के अंदर है सर्च कंटेक्स्ट, सर्च कंटेक्स्ट ये एक क्या है, सिंपल सर्च कंटेक्स्ट इज अ इंटरफेस, ये एक इंटरफेस है गाइस। तो ये सिंपली क्या है हमारा इंटरफेस, आई स्टैंड्स फॉर द इंटरफेस, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं गाइस। तो ये इंटरफेस है, इस इंटरफेस के अंदर उसके दो मेथड है, एक है आपकी फाइंड एलिमेंट मेथड और फाइंड एलिमेंट्स मेथड। अगेन ये इंटरफेस एक्सटेंड करता है हमारे वेव ड्राइवर, वेव ड्राइवर भी क्या है अलग सा हमारा इंटरफेस ही है। इसी के साथ, इसी वेब ड्राइवर के साथ हमारा एक जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूटर भी होता है, जो हमें एक्शन क्लास यूज करने के लिए या और जावास्क्रिप्ट के साथ अगर आपको काम करना है तो इसके लिए हम ये इंटरफेस यूज करते हैं। सेम इसके साथ मुझे मेरा और एक इंटरफेस है टेक अ स्क्रीनशॉट, ये भी एक मेरा इंटरफेस है। यानी ये तीन इंटरफेस यूज करते हैं हम सेलेनियम के अंदर भी, जो सर्च कंटेक्स्ट हमारे इस वेब ड्राइवर को एक्सटेंड करेगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे इस वेब ड्राइवर इंटरफेस के अंदर कौन कौन से एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इसके अंदर। पहले से आपके है क्लोज, क्विट, गेट विंडो हैंडल, गेट पेज सोर्स और अलग अलग बहुत सारी मेथड्स, एब्स्ट्रैक्ट मेथड उन्होंने दी हुई है। प्लस इसके अंदर नेस्टेड इंटरफेस भी प्रेजेंट है, टारगेट लोकेटर नाम का एक इंटरफेस प्रेजेंट है, देन विंडो नाम का एक इंटरफेस प्रेजेंट है जो नेस्टेड इंटरफेस कहते हैं हम उसे, नेविगेटर, नेविगेशन नाम का एक है, तो ऐसे अलग और टाइम आउट नाम का भी नेस्टेड इंटरफेस इसके अंदर प्रेजेंट है जो हमें आगे जाके यूज करना होता है। तो वेब ड्राइवर इंटरफेस, अगेन ये जो इंटरफेस है ये किसको इंप्लीमेंट करता है, देखो एक यहाँ पर लिखा है रिमोट वेब ड्राइवर क्लास। अब रिमोट वेब ड्राइवर ये क्या है, सिंपली एक इट इज अ सिंपल क्लास। यानी इस रिमोट वेब ड्राइवर के अंदर इस वेब ड्राइवर को इंप्लीमेंट किया है। इंप्लीमेंट का मतलब क्या गाइस, तो जो भी मेथड्स यहाँ पर वेब ड्राइवर के अंदर है, फिर वो क्लोज हो, क्विट हो, गेट विंडो हैंडल हो, ये सारे मेथड इस रिमोट वेब ड्राइवर के अंदर एक्चुअली उसका बॉडी इंप्लीमेंट किया हुआ है। एज द सेम केस ये जो फाइंड एलिमेंट्स और फाइंड एलिमेंट्स नाम के जो भी मेथड है वो भी इस रिमोट वेब ड्राइवर के अंदर प्रेजेंट है जो इंप्लीमेंट किया है, क्योंकि वो इनहेरिटेंस ही कर रहे हैं हम, तो वो मेथड भी हमारी इस रिमोट वेब ड्राइवर क्लास के अंदर प्रेजेंट रहेगा। अब ये जो रिमोट वेब ड्राइवर क्लास है, नीचे अगर थोड़ा डायग्राम में देखो तो यहाँ पर क्या है, क्रोम ड्राइवर क्लास, फायरफॉक्स ड्राइवर क्लास। अब ये जो हायरार्की है ये मैंने सेलेनियम 3.159 वर्जन के लिए बनाई हुई है, ये नोट डाउन करके रख लो गाइज। बट अभी जो हम सेलेनियम यूज कर रहे हैं, जो अपडेटेड वर्जन हम यूज कर रहे हैं 4.15, जो स्टेबल वर्जन है उसके अंदर उन्होंने एक और एक एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पर एड किया है। इस रिमोट वेब ड्राइवर के अंदर यहाँ पर उन्होंने बीच में एक और एक क्लास एड किया है, उसे हम कहते हैं क्रोमियम। तो क्रोमियम भी क्या है, क्लास है। इस क्रोमियम क्या करता है, ये जो क्रोम ड्राइवर है इसको भी ये एक्सटेंड करता है, और हमारा जो एज ड्राइवर है, एज ड्राइवर भी इस क्रोमियम को एक्सटेंड करता है। वेयर एज फायरफॉक्स ब्राउजर जो है वो डायरेक्टली आपके इस रिमोट वेब ड्राइवर को ही क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा। यानी इन शॉर्ट यहां पर इनहेरिटेंस कर रहेगा, यस यहां पर ओनली क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस कर रहे। तो अब देखो अगर मैं क्रोम ड्राइवर क्लास यहाँ पर यूज कर रहा हूं तो एज पर कोर जावा के उप्स कंसेप्ट के हिसाब से इनहेरिटेंस जो हमने किया है, तो इसका मतलब क्या हो गया गाइस, सर्च कंटेक्स्ट के अंदर जो मेथड्स है प्लस वेब ड्राइवर इंटरफेस के अंदर जो मेथड्स है वो सारे मेथड्स रिमोट वेब ड्राइवर के अंदर एक्सेसिबल है और इंप्लीमेंट किया हुआ है, प्लस रिमोट वेब ड्राइवर के अंदर वाली जो मेथड्स है वो सब कुछ हम इस क्रोमियम ड्राइवर के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं और इस क्रोम ड्राइवर के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। और प्लस एडवांटेज ये है कि क्रोम ड्राइवर क्लास जो है उसके अंदर आप क्रोम की भी खुद की मेथड्स आप एक्सेस कर सकते हो। तो इससे हमारा फायदा ये हो गया, आगे जाके अगर मैं क्रोम ड्राइवर यूज नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने फायरफॉक्स ड्राइवर क्लास का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट बनाया,
तो अल्टीमेटली आई एम एक्सेसिंग सर्च कंटेक्स्ट मेथड, आई एम एक्सेसिंग वेब ड्राइवर इंटरफेस मेथड्स. इट इज नॉट अ रिस्ट्रिक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर क्रोम ड्राइवर क्लास और एनी पर्टिकुलर एज ड्राइवर क्लास. इन्हीं वो पर्टिकुलर उस क्लास के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं रहेगा, तो आपका कोड जो है वो जनरलाइज भी हो जाएगा और आप अलग अलग ब्राउजर के ऊपर उसे एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, यानी उसको टेस्ट भी कर सकते हो. तो फॉर दैट पर्सन, यानी ये पूरे इस हायरार्की के वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसका जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट हम वैसे लिखते हैं. क्या स्टेटमेंट लिखा था हमने, चलो गाइस फिर से देख लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली द स्टेटमेंट्स वी आर राइटिंग हियर. ओके जस्ट अ मिनट, क्या स्टेटमेंट हमने लिखा था गाइस, देखो यहां पर वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर. सो यानी इसका आंसर आप कैसे दोगे, अभी पहले क्या करोगे आप, वो पूरा हायरार्किकली आप एक्सप्लेन करोगे, उसके बाद में आप बताओगे व्हाट एग्जैक्टली द क्रोम ड्राइवर कंटेंट्स. द वेब ड्राइवर की भी मेथड आएगी, सर्च कंटेक्स्ट इंटरफेस की भी मेथड उसके अंदर आ जाएगी, प्लस रिमोट वेब ड्राइवर की भी मेथड्स वहां पर एक्सेसिबल रहेगी. तो मैं अगर पर्टिकुलर इस वेब ड्राइवर का अगर मैं रेफरेंस क्रिएट करूं और उसके अंदर क्रोम ड्राइवर का इंस्टेंस स्टोर करूं, तो अल्टीमेटली मैं वेब ड्राइवर की ही मेथड एक्सेस कर रहा हूं, सर्च कंटेक्स्ट ही मेथड एक्सेस कर रहा हूं. अगर मुझे चेंज करना है, इंस्टेड ऑफ न्यू क्रोम ड्राइवर की जगह मुझे अगर फायरफॉक्स ड्राइवर भी लिखना है, तो आप वो भी कर सकते हो, उससे आपका स्क्रिप्टिंग के लिए या आपके कोडिंग के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा. फॉर दैट, फॉर द रियल टाइम एप्लीकेशंस, इन द इंडस्ट्री में हम रियल टाइम के ऊपर काम करते हैं, तो मुझे मल्टीपल ब्राउजर के साथ काम करना पड़ता है. सो मल्टीपल ब्राउजर के अंदर भी आप इस एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो. दैट इज अ रीजन वी राइटिंग वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर. तो ये क्वेश्चन आपको इस वे से आंसर देना है गाइस. अगर इस वे से अगर आंसर दोगे तो 101% मेरी गारंटी है आपका सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. बट आपको वो हायरार्की प्रॉपर वे से एक्सप्लेन करना है. अगर इंटरव्यू का आपको कागज पेन देता है तो आप वहां पर ड्रॉ करके भी एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट इज वेल एडवांटेज फॉर यूर इम्पैक्ट फॉर दैट इंटरव्यू ऑल्सो. सेकेंड, जो हमने उसके बाद में हमने क्या कोड लिखा था, ड्राइवर डॉट गेट. ये भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई वी यूज ड्राइवर डॉट गेट, गेट ही मेथड क्यों यूज करना है. तो देखो गेट मेथड क्या है, बेसिकली गेट मेथड ये एक हमारी वेब ड्राइवर की मेथड है. अब इसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, सिंपली हमारा वेब एप्लीकेशन का यूआरएल, जो हम वेब एप्लीकेशन ब्राउजर के अंदर ओपन करना चाहते हैं, तो वही हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर डालना पड़ेगा. तो इसीलिए गेट में हम क्या करते हैं, जो एप्लीकेशन मुझे ब्राउजर के अंदर ऑटोमेट करना है, जो डिस्प्ले करवाना है, उसके लिए हम ये गेट मेथड यूज करते हैं. So, वो गेट मेथड हमारी वेब ड्राइवर की है. दैट गेट मेथड टेक्स वन आर्गुमेंट एज अ स्ट्रिंग आर्गुमेंट एंड इट्स रिटर्न टाइप इज अ वॉइड. यानी इस वे से अगर आप आंसर दोगे तो इंटरव्यूअर आपके साथ खुश होगा कि यस दिस गाइज आर वेरी स्मार्ट एंड ही एक्चुअली वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट्स. यानी उसने काम किया है, उसको पता है व्हाट एग्जैक्टली द सिनोनिम. तो इस वे से अगर आप आंसर दोगे तो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू. तो आज के लिए इतना ही गाइज. तो अगर आप आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आप आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो. अगर ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूबल लगी तो उसे आप लाइक भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो. अगर आपको और कुछ अलग इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको फेस किया है तो वो क्वेश्चंस भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भेज दो. उसके भी हम क्या करेंगे, उसके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपके क्वेश्चन के ऊपर, उसका भी आंसर मैं आपको दे दूंगा कि आपको इंटरव्यू में कैसे फेस करना है. तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसके आगे वाला पार्ट देखेंगे. थैंक यू गाइज़.